जी हाँ, सास बहू का झगड़ा शायद शाश्वत चला रहा है, सदियों से चला रहा है, लेकिन नए जमाने में परिस्थितियां कुछ बदली भी हैं। पर छोटे पर्दे पर हम क्या देखते हैं, सास बहू के खिलाफ साजिश करती है, बहू सास के खिलाफ साजिश करती है, पति की जिंदगी में पति और पत्नी के बीच कोई वो आ जाता है और वो आता भी नहीं रहता, बदलता रहता है, बहुएं तीन जादू करती हैं, सास भी पीछे नहीं रहती है, ये सब क्या हो रहा है, हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर, क्यों सोनिया जी? और छोटा बच्चा जब घर में आता है तो खुशियों के बजाय वहां पर कुछ ना कुछ षड्यंत्र शुरू हो जाता है, ऐसा टीवी पर दिखाया जाता है, लेकिन ये असलियत में होता है या नहीं, ये समाज का आईना है या नहीं, इस पर हो रही है चर्चा। इस पर हो रही है चर्चा। सुनिए, आपकी भी शादी हो गई है? बिल्कुल। आपकी भी सास आपके खिलाफ साजिश करती है? नहीं, हमारे तो घर में बैन है कि अगर कोई इस तरह का सीरियल देखा जाएगा तो शायद या तो सास रहेगी घर में या फिर बहू रहेगी। या तो फिर सास रहेगी या बहू रहेगी, सोनिया ने सही कहा है। ज्यादातर सीरियल्स के अंदर लोग अब चाइल्ड लॉक लगाने लगे हैं क्योंकि छोटे पर्दों पर बढ़ती अश्लीलता से राष्ट्रीय महिला आयोग बेहद खफा है। आयोग अब इस तैयारी में है कि पुराने कानूनों को और सख्त किया जाए ताकि इन अश्लील प्रदर्शन को रोका जा सके। बिल्कुल, और इस बारे में 2 महीनों में सरकार के सामने फाइनल रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी, लेकिन सितारे आयोग की बातों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं फिलहाल। ये हम कहाँ आ गए ऋषभ जी? अच्छा हुआ पाई। मुझे बताइए कैसा है दिया? ये कहानी तो घर घर की है नहीं। किस किस को मारेंगे आप? कहां से लाएंगे इतने राम? आप यहाँ राम की जीत का जश्न मना रहे हैं और मैं वहां अंदर रावण की जीत को सेलिब्रेट कर रही हूँ। क्योंकि सास तो कभी ऐसी बहू थी नहीं। मुझे तकलीफ देने के इतने सारे बहाने कैसे ढूंढ लेती हो तुम? पहले अपने बॉयफ्रेंड को बेशर्मी से यहाँ बुलाया, अब मेरी बच्ची को बता दिया कि उसकी बीमारी क्या है। कसम से ये सब ठीक नहीं। तुम इस तरह बिना देखे टैक्सी? टीआरपी की दौड़ में बेतहाशा शामिल टीवी सीरियलों पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी नजर तरेर ली है। आयोग का कहना है कि घर घर में सीरियल देखे जाने की वजह से समाज पर इनका सबसे ज्यादा असर होता है। छोटे पर्दे की तस्वीर बदल रही है। पिछले कुछ दिनों से महिलाओं का अश्लील चित्रण भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है पुराने कानूनों में फेरबदल कर नए कानून बनाने की। महिलाओं का जो पोर्ट्रेल है वो अभी और भी ज्यादा घटिया होता चला जा रहा है, और विशेषकर सोप और जिसकी बात करें कि आज हम टेलीविजन के द्वारा भी तो बिल्कुल उसके एक ऐसी दयनीय सी और या फिर ऐसी रिएक्शन वाली तस्वीर लेकर के जो सामने आते हैं, इस दृष्टि से उनका इंक्लूड होना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे मीडिया का भी, इसलिए बिल लेकर का। और अगर कानूनों पर करें तो हकीकत भी यही है कि ये सब अब वाकई पुराने हो चुके हैं। बात 1986 में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट की करें या फिर 1952 में बने सिनेमेटोग्राफी एक्ट की, सबका वही हाल है। इनके अलावा कमर्शियल एडवर्टाइजिंग फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड टीवी और केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट भी काफी पुराने हो चुके हैं। इसलिए निर्माता निर्देशक धड़ल्ले से इन कानूनों की ढिलाई का फायदा उठाते हैं और सीन की डिमांड के नाम पर अश्लीलता परोस देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि टीवी के सितारे आयोग की बात को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे। देखने के नजरिए पे निर्भर करता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि आप पॉजिटिव चीजें देखें। हर ग्रंथ में, हर उपन्यास में, हर कहानी में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा। वो तो सीरियल होता है तो सीरियल और फिल्मों को, लोगों को, जो आम जनता है उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बिकॉज जब सीरियल स्टार्ट होती है या फिल्म स्टार्ट होती है, उन्होंने पहले कहा है कि ये एक्टिंग है और ये भूमिकाएं हैं, इसको कभी सीरियस ना लिया जाए। तो मुझे नहीं पता कि पब्लिक इसे सीरियस क्यों लेती है। सवाल ये उठता है कि जब खुद महिलाओं को टीवी में अश्लीलता नहीं दिख रही तो महिला आयोग कैसे नया बिल पास करा पाएगा? इसके अलावा ये कि कहीं ये महिलाओं के नाम पर नई सियासत की तैयारी का ताना बाना तो नहीं है? प्रियदर्शन, मुंबई, आज तक। सुनिए, राखी सावंत की संगड़ाई को लगता है बच्चे भी देखते होंगे घर में। जी, और वो खुद कह रही हैं कि उनको पहले ही कह दिया था कि सीरियसली ना लिया जाए इन सब चीजों को, तो आप सोच सकते हैं कि अगर राखी सावंत फिर भी मेरे 3 साल का एक नीस है, उसकी हॉट फेवरेट है मल्लिका शेरावत, और उसका कारण बताता है वो कि वो बहुत हॉट है। अब ये शब्द उसको किसने सिखाया मैं खुद नहीं जानता, लेकिन असल बात कानूनों की है। लगता है पूरे घर के बदलने पड़ेंगे क्योंकि टीवी के सीरियल का टारगेट ऑडियंस आमतौर पर
महिलाएं होती हैं, इसलिए सीरियल की कहानियां भी ज्यादातर महिलाओं के किरदारों के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन दीपक, टीआरपी और मसाले के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा भी दिखता है जिसका हकीकत से कोई भी लेन देना है ही नहीं। वाकई मुझे दौलत दी है आपने मुझे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी है, मेरे आश्रम में पना दे सकेगी। या कहानी घर घर की पार्वती, विदाई की साधना और रागिनी हो, सात फेरे की सलोनी हो, या फिर दुल्हन की विद्या और सिंदूरा, ये सीरियल्स की दुनिया के वो काल्पनिक पात्र हैं जिनसे देश की सारी औरतें खुद को छोड़ कर देखती हैं। मैं अमीरा बात कर रहे थे और नंगा के बारे में बात कर रही थी, कैंसर के। इनके जीवन की खुशी और गम लोगों की जिंदगी की खुशी और गम बन जाते हैं। जीवन के नौ रसों की तरह सीरियल्स में भी सभी तरह के रस इस्तेमाल किए जाते हैं। आंसू, खुशी, नाच, मौज, ममता और ढेर सारा ड्रामा सीरियल के पकवान के मसाले होते हैं। उद्देश्य एक ही, दर्शकों का मनोरंजन। और मनोरंजन के इस खेल और टीवी चैनल्स की बढ़ती भीड़ में कभी कभी सीरियल्स जाने अनजाने कहानी के टूटे तारों को संभालने के लिए कुछ ऐसे मसलों का सहारा लेते हैं जो असल जिंदगी में मुमकिन नहीं। रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा तुलसी माँ। आज तो हर घर में एक रावण है, हर घर में एक लंका। किस किस को जलाएंगे आप? मिसाल के तौर पर किरदारों की कई बार शादी और तलाक, मौत और पुनर्जन्म, दादी पोते वाले जवान कलाकार, शादी के बाद भी प्रेमी और प्रेमिकाएं, प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरों का बदल जाना, नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन भाव नहीं बदलते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी, और कहानी घर घर की में पार्वती एक ऐसी आदर्श बहू और पत्नी है जिसकी कामना हर कोई करता है, फिर चाहे सीरियल में इनका चेहरा बदले, पति बदले या परिवार, मसाले ही बेचते हैं सीरियल को। कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है, लेकिन आजकल सीरियल्स के इन कहानियों ने साहित्य की जगह ले ली है और इनकी कहानियां समाज का वो हिस्सा बन गई हैं जिनका गहरा असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। सास बहू, ननद भाभी, देवरानी जेठानी, जीजा साली। वैसे नई लहर अपने आप को समझती क्या? हाँ? इतनी आसानी से हम जैसे बन जाएंगे क्या? आने दो इन्हें हमारे पास। असल जिंदगी के कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें सीरियल्स में नमक मिर्च लगाकर दिखाया जाता है। अब ये फैसला तो दर्शकों को करना होगा कि वो कल्पना की इस दुनिया को असलियत न समझ बैठे। क्योंकि मनोरंजन की ये दुनिया माया नगरी है जिसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। अमित त्यागी, मुंबई, आज तक। और समाज का आईना होते हैं ये सीरियल, ऐसा कहना है रिपोर्टर्स का। लेकिन वाकई में एक बात बताइए दीपक, कि जब भी कोई सीरियल मिस करता है ऑफिस में, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि क्या रही स्टोरी कल की? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पूछते हैं, क्योंकि अभी भी मेरा ध्यान जो है कहीं ना कहीं प्रेमचंद, टॉल्स्टॉय और गोर्की पर लगा रहता है। ये तो मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि हम कितना गिर रहे हैं और कितना गिरना चाहते हैं इन सीरियलों के जरिए। इनकी कहानियों को देखो और समझा जाए तो इसमें कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। इसमें अगर है तो मसाला, इसमें अगर है तो सेक्स, और इसमें अगर है तो घर घर की लड़ाई। कहीं ना कहीं आपको लाजो जी मिलती है कि नहीं मिलती है? लाजो जी न लाजो जी नजर आती है, न तमस की वो तपस नजर आती है, और न ही नजर आता है प्रेमचंद का कोई भी साहित्य इसमें, न ही नजर आती है देवदास। देवदास एक फिल्म बनी थी, सुपर डुपर हिट रही थी, और मेरे ख्याल से सालों पुराना साहित्य है वो, लेकिन आज भी सुपर डुपर हिट है, आज भी रिलेवेंस है। लेकिन मुझे दाद देनी पड़ेगी एकता कपूर की कि उन्होंने लोगों से प्रेमचंद को भी भुलवा दिया, हरिवंश राय बच्चन को भी भुलवा दिया, टॉल्स्टॉय को भी भुलवा दिया, गोर्की को भी भुलवा दिया, सादात हसन मंटो को भी भुलवा दिया। इसके लिए उनको कोई ना कोई बड़ा अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। अब पूछते हैं प्रोड्यूसर साहब से कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे साथ हैं इस वक्त राजन शाही जी, प्रोड्यूसर हैं सीरियल विदाई के। सीरियल विदाई की अगर हम बात करें तो बड़ा पुराना फॉर्मूला है, एक बहन जो है सांवली है, एक बहन गोरी है, गोरी जो बहन है वो स्टेप डॉटर है, यानी रिश्तेदार है अपनी बड़ी सांवली बहन की, और उसके लिए वो एक सेक्रीफाइस करती है
कि एक ऐसे मेंटली रिटार्डेड लड़के से वो शादी कर लेती है जिसके साथ शादी साफ कमिट करती है कि मैं आपकी सांवली बहन की भी शादी कर दूंगी। बड़ा पुराना फॉर्मूला है, लेकिन जिस ढंग से विदाई में आपने दिखाया है राजन जी, मुझे नहीं लगता कि वो सामाजिक सरोकारों से कोई मेल खाता है, बल्कि उसमें मसाला कुछ जरूरत से ज्यादा है। देखिए आप, जैसे मैं आपकी बातें सुन रहा था, कि आप हर प्रोग्राम को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जब मुझे जब नहीं देखिए, जब मुझे चॉइस मिला, मैंने जब बाकी सीरियल जितनी डायरेक्ट करी थी, जैसे आपने सात फेरे का नाम लिया, मैंने वो सीरियल डायरेक्ट किया है। जब मैंने विदाई का मुझे मौका मिला उसे प्रोड्यूस करने का, तो कहीं मेरे माइंड पे ये जरूर था कि आई हैव टू शो सम पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। हर चीज बहुत नेगेटिव जो बहुत होती जाती थी सीरियल्स में, कहीं कुछ पॉजिटिवनेस हो। तो विदाई में आप देखेंगे, अगर आपने हर एपिसोड देखा और कैरेक्टर्स को फॉलो करा हो, जैसे अगर आपने आलोक नाथ जी का अगर कैरेक्टर फॉलो करा हो, विभा छिप का कौशल है, तो उनके कैरेक्टर्स बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बहुत रियल हैं। और इन सबके जो सिचुएशंस है, रागनी और साधना के सिचुएशंस बहुत रियल हैं, कोई आउट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस नहीं है। और राजन साई जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी जो सीरियल की बुनियाद है वो मेरे को लगता है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सांवली और गोरी का जो कॉन्फ्लिक्ट है लड़कियों में, वो कोई दो दशक या तीन दशक पहले हुआ करता था। आज की तारीख में अगर आप बॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड में आप देखेंगे विपाशा बसु है वहां पर, लारा दत्ता है वहां पर, सलीना जेटली है वहां पर, वो कोई गोरी लड़कियां नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है टॉप क्लास हीरोइंस हैं, और अपने आप में अगर माना जाए तो बहुत टीआरपी ज्यादा है, उनकी टीआरपी ज्यादा नहीं, है। नहीं सर, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंडियंस, आज भी अगर हम में से आजू बाजू आपके हर जगह पे, घर में, मोहल्ले में, चाहे बॉम्बे शहर हो, चाहे कानपुर शहर हो, अगर इन सब शहरों में हर जगह अगर काले गोरे पे फर्क नहीं होता, हम में प्रेजुडिस नहीं होता, इतने सारे हमारे एड्स नहीं होते, इतना हमारा फेयरनेस होने पे हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं होते इतनी ज्यादा। आज आप कोई भी एड देखिए, हर सेकंड एड है, तो ये है के लिए नहीं बनाया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों के लिए बना दिया लग रहा है। मैंने एज ए प्रोड्यूसर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब किया, जो चीज होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि डार्क पे प्रेजुडिस करना, डार्क होने पे प्रेजुडिस करना बहुत अच्छी बात है, मैंने तो बताया बहुत बुरी बात है ये जी। तो बट ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, फिर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। छल कपट षड्यंत्र एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, जी हाँ, आजकल के टीवी सीरियल्स में लगता है कुछ ऐसे ही एक छवि दिखाई जा रही है महिलाओं की, जिस पर महिला आयोग को बेहद एतराज है। दीपक, बिल्कुल बेहद एतराज है, सास बहू तक नहीं, भाई बहन तक भी सीमित है, परिवार तक भी कहीं ना कहीं ये पूरा छल कपट षड्यंत्र और जो पुरानी सामाजिक मान्यताएं हैं जिनको हम 100 साल पहले सुना करते थे, उनको बढ़िया अच्छे जिसको कहते हैं डिजाइनर क्लोथ पहन के, खूब बड़ी सी बिंदी लगा के, माथे पे इतना बड़ा सिंदूर लगा के, मंगलसूत्र लगा कर रिबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सही है, जानेंगे रंजना कुमारी जी से, जो सोशल साइंटिस्ट है, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं बरखा जी, साथ ही साथ राजन साही जी हैं प्रोड्यूसर सीरियल विदाई के, और बरखा बिस्ट की अगर हम बात करें तो सीरियल डोली सजा के रखना में वो अनुपमा का किरदार करती है, जो एक ऐसी लड़की है जिसे शुरू से ही मनहूस माना जाता है। बरखा, आपको नहीं लगता कि डिजाइनर कपड़े पहन के, अच्छा सिंदूर और बिंदी लगाकर, एक पुरानी मान्यता जो किसी बुंदेलखंड के छोटे से गांव में मानी जाती थी, उसको फिर से आप जीने की कोशिश कर रहे हैं एक अपमार्केट टीआरपी हाउस में, जहां ए प्लस सेगमेंट होता है, जिनके घर में 3 कारें होती हैं, 2 एसी होते हैं, 4 फ्रिज होते हैं, आप उस मान्यता को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही हैं अपने किरदार से? देखिए, मैं अपने किरदार से इस मान्यता को जीवित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरा मानना है कि सारे सीरियल्स एक तो काल्पनिक होते हैं, और हर कल्पना में हम यही दिखाना चाहते हैं कि अच्छाई जीतेगी और बुराई हार जाएगी। अब इसके लिए हम किरदारों को अलग अलग चीज़ों से कैरेक्टर को बनाते हैं, जैसे अनुपमा डोली सजाके में अपशगुन है, सात फेरे में सलोनी सांवली रंग की है, तो अलग अलग तरीकों से हम कैरेक्टर्स को कोई ना कोई कमी दिखाते हैं या कुछ इंफीरियोरिटी दिखाते हैं, लेकिन दिखाना चाहते हैं कि जो अच्छाई है इनमें वो हमेशा जीतेगी। रंजना जी, आप वाकई इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा है कि बड़ी बिंदी लगाती तो मैं भी हूँ, और जो
आज के समाज में औरतों के हक अधिकार के लिए पिछले 20 साल से हम लोग जिस तरह की बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के सीरियल के ज़रिए जो मैसेज जाता है, मैसेज ये जाता है कि एक औरत है जो कहीं ना कहीं मर्दों के चारों तरफ मंडराती है, एक से छूटती है तो दूसरे 4-5 शादियां करती है, फिर स्कीमिंग वीमेन है, कुछ ऐसी तैयारियाँ कर रही है जो किसी की शायद हत्या ही करा देगी वो। तो ये समाज की किस औरत की बात ये लोग करते हैं, समाज की किस, ये बिल्कुल समझ में हम लोगों को तो नहीं आता। रंजना जी, नहीं स्मृति के पास चलते हैं। स्मृति ईरानी हमारे साथ हैं जो एक आदर्श बहू के तौर पर प्रोजेक्ट की गई हैं, लेकिन उनके सीरियल के अंदर जो कुछ होता है, उनके घर शांति निकेतन में जो कुछ होता है, 2-3 शादियां हो जाती हैं, 4-5 अफेयर हो जाते हैं, 2-3 कत्ल हो जाते हैं, ये शांति निकेतन है या अशांति निकेतन? स्मृति नमस्कार दीपक, मैं इस विषय पे 2-3 बातें कहना चाहूंगी कि जहाँ तक एंटरटेनमेंट में महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन की बात है तो मुझे लगता है सामूहिक तौर पर, चाहे वो रंजना जी हो या बरखा हो या आपके साथ जुड़े हुए राजन शाही हो, वो सब मानेंगे कि कम से कम धारावाहिकों में प्रयास हमेशा रहता है कि महिलाओं को जितने सम्मान के साथ प्रदर्शित किया जाए वो हम करते हैं। जहाँ तक की बात इन्फ्लुएंस की आती है तो मुझे लगता है कि जैसे बरखा ने सही कहा कि अच्छाई के अंत में जीत हो, यही प्रयास रहता है, और अच्छाई और सच्चाई की जीत तभी हो जब उसकी तुलना किसी खराब चीज से की जाए, जब दिखा बुराई पर कैसे विजय पाई जाती है। लेकिन अगर सामाजिक बदलाव लाना है तो वो जिम्मेदारी केवल धारावाहिक नहीं उठा सकते, वो जिम्मेदारी जितनी गिरिजा व्यास जी की है उतनी ही रंजना जी की है, उतनी ही सोशली हमारी है एज इंडिविजुअल। सीरियल्स की भी होनी चाहिए स्मृति जी। आप देखिए 70 के दशक में मालूम था कि फिल्मों में अगर बिंदु आएंगी तो वैम्प ही बनेंगी, हेलन आएंगी तो डांस ही करेंगी, और कोई एक पर्टिकुलर सास आएगी तो कैसी होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन सी हीरोइन जो कि छोटे पर्दे पर हो, देखने में बहुत अच्छी बहू हो, लेकिन आखिर में 3-4 शादियां कर ले और फिर शराब पीती हुई पाई जाए।